तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। हम आ चुके हैं एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। तो गाइस, इस वीडियो में अभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कि मैं बैरल पे सिक्सर चला रहा हूँ। तो गाइस, जिसको भी अगर बैरल पे सिक्सर चलाना सीख रहे हैं तो गाइस इस वीडियो को पूरी देखना। तो गाइस, इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आप चाइना के प्रो प्लेयर जितने भी होते हैं, चाइनीज़ प्रो प्लेयर, आपने देखा होगा उनकी एक्टिविटी कितनी फास्ट होती है, तो आप ऐसे खेलना सीख सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं फटाफट वीडियो की तरफ और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस को, लाइक करो वीडियो को। चलते हैं फटाफट वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो गाइस, बहुत लोगों ने बता रखी है ये टिप्स और ट्रिक्स वगैरह, जायरो सेंसिटिविटी, लेकिन गाइस जो उन्होंने ये लोग ये चीज़ नहीं बता रखी जो इस वीडियो में मैंने बता रखी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और एंड में मैंने कुछ एंड में वीडियो के ऐसी एक ट्रिप बता टिक बता रखी है, मतलब टिप और ट्रिक दोनों बता रखी है, तो जिसे आप देखें भाई लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करोगे। तो चलते हैं गाइस फटाफट वीडियो की तरफ। तो यहाँ देखो गाइस, मैं बैरल चला रहा हूँ और यहाँ भाई रिकॉल देखो एक बार बैरल का। ये देखो, आपको भी ऐसा रिकॉल चाहिए तो सबसे पहले आप जाइए अपनी इन्वेंट्री में। तो टिप नंबर 5, तो गाइस बैरल पे आप सबसे पहले आप इन्वेंट्री में चाहिए। तो इन्वेंट्री में जाने के बाद गाइस आपकी जितनी भी ग्रिप्स वगैरह हैं, ये 5 ग्रिप हैं, तो गाइस आपकी मर्जी है कि आप कौन सी ग्रिप यूज़ करना चाहेंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि हाफ ग्रिप, क्योंकि हाफ ग्रिप काफ़ी सही होती है। ये आपका रिकॉइल रिड्यूस करती है और आपका स्टेबिलिटी रिड्यूस करती है और रिकॉइल रिकवरी बढ़ा देती है, जिससे इतना कोई मैटर नहीं, लेकिन रिकॉइल रिड्यूस होना चाहिए सबसे पहले, तो वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसी सेंसिटिविटी के बारे में, जायरो की सेंसिटिविटी। बेसिक इतनी कोई खतरनाक सेंसिटिविटी मैं बता नहीं रहा हूँ जिससे कि आप भाई तकड़े तकड़े प्रो प्लेयर बन जाओगे। भाई मेन तो आपका ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी सेंसिटिविटी पे। तो मैंने कुछ नहीं कर रखा, सबसे पहले तो आपको भाई अपने जायरोस को, अगर आप नॉर्मल खेलते हो, विदाउट जायरो खेलते हो, तो विदाउट जायरो में मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई अपनी स्टेबिलिटी खुद देखो, और मतलब अपनी स्टेबिलिटी कह रहा हूँ यार भाई, चल गया मेरा, अपनी सेंसिटिविटी खुद देखो कि आपको कौन सी सेंसिटिविटी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले अगर जो जायरो प्लेयर मैं उनके लिए दिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले आप करो जायरोस्कोप को ऑलवेज़ ऑन पे रखो, ऑलवेज़ ऑन पे। अब ये मेरी कैमरा फ्री लुक की सेंसिटिविटी है, तो गाइस मैंने इसमें कुछ नहीं कर रखा, नॉर्मल हाई है, हाई पे करके फिर मैंने उसको कस्टमाइज़ करा, क्योंकि जायरो सेंसिटिविटी की मैंने काफ़ी बढ़ाई है। ये मेरी फ्री लुक सेंसिटिविटी और ये है मेरी कैमरा सेंसिटिविटी। आप मेरे जैसे कॉपी कर सकते हो, वैसे काफ़ी सही सेंसिटिविटी लगती है मेरे को ये, आप मेरी कॉपी कर सकते हो या आप अपनी खुद देख कर बना सकते हो, अगर आपको मतलब जैसे थोड़ी कुछ कम ज़्यादा करनी है तो आप कर सकते हो। और ये है मेरी ADS सेंसिटिविटी, गाइस कॉपी मार लो यार, अगर मेरे हिसाब से अगर आप एक बार ट्राई करके देखो कि अगर आपको मेरी सेंसिटिविटी अच्छी लग रही है तो भाई उसको यूज़ करो, और नहीं लग रही तो भाई मत करो यार, सिंपल लॉजिक है। और ये है मेरी जायरो सेंसिटिविटी, गाइस जायरो सेंसिटिविटी सबसे मेन चीज़ होती है 4x। अब 4x स्कोप पे मैंने जायरो सेंसिटिविटी आपको देखा होगा, मैंने काफ़ी कम कर रखी थी 4x स्कोप, जिससे होगा जब 4x स्कोप पे जूम करोगे ना तो आपका जायरो, अगर फ़ोन ज़्यादा हिलेगा तो जायरो इतना ओपन नीचे नहीं होगा, कि जब मतलब जायरो इतना ऊपर नीचे नहीं होगा। और बाकी अगर आप DP या फिर कोई भी गन से मतलब AR से स्प्रे देते हो तो वो जायरो का सेट कर लेना। अगर आप DP से स्प्रे देते हो, अब देखो मैंने यहाँ पर DP उठाई है, अब DP पे 4x लगाता हूँ, मैं भी दिखाता हूँ मैं सेंसिटिविटी मैं DP पे कितनी कर रहा हूँ, और जितनी मैं DP पे कर रहा हूँ, और DP मैंने शायद 100 करी है, 100 करने के बाद आप इसको फिर DP को एक बार चला कर देखो भाई, क्या ही रिकॉइल आता है यार। और जो अगर आपको किसी और गन से स्प्रे देना, जैसे M4 हो गई, तो इसको 164 या 146 के अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता हो। कि अगर आपको 4x, क्योंकि 4x यार काफ़ी मतलब अलग अलग गन के हिसाब के वाला स्प्रे है, मतलब वो है स्कोप है जो अलग अलग गन के होता है। टिप नंबर 4, तो गाइस इस टिप में हम बात करने वाले हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप बाउंड्री के पीछे होते हो और तभी भी आपको हेडशॉट पड़ता है, तब यहाँ नहीं हुआ अगली वाली उस पर वाले बताता हूँ। तो गाइस कभी कभी क्या होता है ना, आपको जैसे दीवार के पीछे बैठे हो, आपको हेडशॉट पड़ जाता है, तो इसमें यही ट्रिक बताऊंगा। तो गाइस देखो, अब यहाँ मैं बैठा और यहाँ मेरा ऊपर से हेड पीछे मारा, FPP करके दिखाऊँ तो FPP पे देखो गाइस यहाँ मेरे को सब दिख रहा है। अब मैं अगर राइट पीक लूँ तो देखो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, मतलब ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा। राइट पिक करने से क्या होगा, लेफ्ट पिक ज़्यादा, लेफ्ट पिक इतना नहीं होता, लेफ्ट पिक पे देखो ऊपर का एरिया दिख रहा है, लेकिन राइट पिक पे नहीं दिखता, लेफ्ट पिक ज़्यादा मतलब कम लेता है, राइट पिक ज़्यादा लेता है। तो हमेशा कोशिश करा करो राइट पिक लेने की। अब आती है टिप नंबर 3, तो टिप नंबर 3 ये है कि गाइस आप गाड़ी में बैठ के कोशिश करो ड्राइव, फिर इधर राइट, जब भी आप ड्राइव पर बटन दबाओगे तो ये आपका राइट में जंप करेगा, और जब गेट इन का दबाओगे तो ये लेफ्ट में जंप करेगा। तो गाइस ऐसे कर करके आप स्प्रे दे सकते हो अपने एनिमीज पर। और अब बढ़ते हैं टिप 2 की तरफ, तो टिप 2 में गाइस ये है, अब देखो SKS से मैं क्या स्प्रे दूँ। गाइस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भाई सबको सीख ली है, आपको कुछ नहीं करना, टारगेट पर सेट करो और धीरे राइट राइट में ले जाओ, ऊपर नीचे नहीं करना, सिर्फ राइट राइट करो और फिर राइट। गाइस इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहो और गाइस आपको ज़रूर इस ट्रिप में बढ़ने से पहले, ये है टिप नंबर 1। तो गाइस इस ट्रिप में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ अपनी रिकॉइल दिखाना चाहूँगा, देखिए उनको।
तो गाइस ये था मेरा बैरल और ऑग का स्प्रे। क्या आपको भी ऐसा स्प्रे करना है? तो भाई हम करवाते हैं ना यार, क्योंकि काफ़ी कभी कभी क्या होता है गाइस, बिल्कुल तो आपने देखा बैरल और ऑग का क्या ही स्प्रे पड़ रहा था। तो गाइस और ये है हमारी बोनस टिप, जिसको देखकर भाई आप लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करोगे। तो फटाफट इस टिप को बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ये है हमारी टिप नंबर वन। तो गाइस सबको पता है कि अगर जस्ट दूर कोई बंदा होता है, मैंने ऑग और सिक्सेस ली, तो अगर बंदा दूर हो तो आप कुछ मत करना, गाड़ी के बग्गी जो भी बग्गी के पास ही होते हैं ज़्यादा, लेटो और थोड़ा चिपक जाओ बग्गी से। और यहाँ बग्गी से चिपक गया और यहाँ देखो जूम करा, अब आपका कर्स जो है ये क्रॉस एयर वो लेफ्ट और राइट तो होगा ही नहीं भाई, ये सिर्फ ऊपर नीचे होगा भाई, मतलब लेफ्ट राइट तो होना ही नहीं, ऊपर नीचे होगा। और ऊपर नीचे में आपको कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ नीचे नीचे करता, ऊपर वाला ऊपर से नीचे करने रिकॉल तो आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा। देखो यार अभी स्प्रे देखना, मतलब ये था उसका स्प्रे ऑक का, आपने देखा यार क्या ही स्प्रे पड़ रहा था। देखो भाई रिकॉइल है कुछ भाई, है कुछ रिकॉइल, कुछ भी रिकॉइल नहीं है यार, आप भी ऐसा कर सकते हो। और देखो अगर इस बैरल तो आपको पता ही होगी, बैरल में भी करके दिखाएंगे, बैरल में आपको मैंने देखा है यार, बैरल में भी दिखाया आपको क्या ही रिकॉल आ रहा था, कुछ नहीं रिकॉल आ रहा था भाई, सिंपल आपको कुछ नहीं करना। जब देखो ऊपर नीचे हो रहा है सिर्फ, राइट लेफ्ट तो हो ही नहीं रहा, अभी देखना मैं जब दोबारा स्प्रे दूंगा तो राइट लेफ्ट तो होने का ही नहीं, हर टायर पे होता है बग्गी के। अब देखो हो रहा है राइट लेफ्ट तो हो ही नहीं रहा भाई, सिर्फ ऊपर नीचे, सिर्फ ऊपर नीचे। और ऊपर नीचे में तो आप ये कंट्रोल कर ही लोगे भाई रिकॉल को, वो काफ़ी आसान होता है। तो गाइज अगर आपको ये टिप अच्छी लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और लाइक करो फटाफट वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, क्यूट बाय। और हाँ गाइज सबसे मेन बात गाइज, मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के मिथ के बारे में, क्या क्या मिथ हो रखी हैं पबजी की। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना, अलग अलग मिथ कमेंट करो और हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो गाइज करो यार कमेंट फटाफट, जिन्होंने नहीं किया कमेंट करो यार।